हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक इन्वर्टर ट्रॉली है और ये वेल्ड स्किल का है और मुझे एक इन्वर्टर ट्रॉली की ज़रूरत था तो इसलिए मैं उसको परचेस कर लिया और यहाँ पे मैं आपको आउटडोर आ चुका हूँ। अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और इसका ये कितना क्वालिटी अच्छा है या फिर बुरा है, सब कुछ ये वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों, इसको मैं अमेजन से परचेस किया हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक चेक कर सकते हो, अमेजन का लिंक चेक कर सकते हो या फिर बिल्ड स्किल का वेबसाइट में भी आप जाके चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक, आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊँगा कैसे उसको आप फिटिंग कर पाओगे, सेट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं उसको खोलने के बाद मुझे ये इसमें एक अच्छा चीज़ पता चला, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है क्योंकि इसमें एक ही स्क्रू आपको टाइट करने की या फिर ढीला करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ऐसे ही फिट करना है, फिक्स करना है और ये पूरा प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा और बहुत हैवी है। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। और इसके अंदर मुझे 4 बॉक्स मिला, यहाँ पे तीन बॉक्स यहाँ पे मैं आपके सामने है। और उससे पहले मैं उसका हुईल जो रहता है उसका भी बॉक्स खोल चुका हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दोनों नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का पोजिशन मुझे यहाँ पे एक बॉक्स में मिल गया, उसको साइड में रखते हैं। ये नीचे वाला है और जो नीचे है वो ऊपर वाला है, ऊपर में लगेगा। ओके, और नेक्स्ट बॉक्स मैं खोल रहा हूँ, उसके अंदर क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये दोनों साइड का है, दोनों साइड में ये लगेगा तो इसको भी हमको साइड में रखना है। पूरा मैं खोल लेता हूँ सब कुछ इसके अंदर जो भी है। और ये आगे वाला फ्रंट वाला पोजिशन है तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ। और दोस्तों, आप ये मुझे ज़रूरत था इन्वर्टर ट्रॉली की तो मैं उसको परचेस किया और क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी और देखने में देखने के लिए भी अच्छा लगता है, लुक भी बहुत अच्छा है। और तो ये सिंगल बैटरी का ट्रॉली है, अगर आपको सिंगल बैटरी का ट्रॉली चाहिए तो ज़रूर इसको लीजिए। मेरे छोटा भाई ये इसका अनबॉक्सिंग कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ ये जो चीज़ है ये ऊपर लगेगा, इसमें खांचा रहता है तो इसमें तार निकलेगा तो साइड में उसको रखते हैं। और ये नीचे वाला पोजिशन है और इसमें आपको साइड में पाँच होल मिलेगा और उसका स्टॉड भी उसके ऊपर मिल जाएगा साइड में। इसको आपको ऐसे फंसाना है, यहाँ पर देखिए, ओके, ऐसे बस फंसा के उसको ऊपर में पीट लीजिए, ये फिक्स हो जाएगा। नॉर्मल सा चीज़ है, आप कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो होल में ये फिट होगा तो यहाँ पे मैं उसको फिटिंग कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये फिटिंग हो गया। फिर हमको उसका ऊपर वाला जो कवर रहता है वो उसको लगाएंगे और ऊपर में आपका इन्वर्टर जो रहता है वो ऊपर में रहेगा ये होल में, देखिए। और ये जो साइड में खांचा मिल रहा है तो इसके अंदर आपका जो लेड निकलता है इन्वर्टर का तो वो बैटरी में आ जाएगा, कहीं पे भी आप पावर सप्लाई वहाँ पे वो होल में चला जाएगा। और वाइंडिंग आपको सामने से रहेगा, उस थोड़ा सेफ रहता है तो उसको भी आप थोड़ा चेक करके आप बिठाइए। तो ये पूरा आसान सा तरीका है, कोई भी बिठा सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऐसे ही फिक्स करना है, कोई भी स्क्रू भी टाइट करना है, पूरा नॉर्मल सी चीज़ें आप कोई भी कर सकता है। और ये देखिए, बस उसको लेके आपको फिक्स करना है, कोई भी स्क्रू व्रू झंझट में नहीं पड़ना है आपको, नॉर्मल उसको फिक्स करना है, ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो खांचा रहता है तो ये नीचे पे लग जाएगा, फिर अंदर से आपको लॉक मिल जाएगा जो उसको लॉक करने के बाद पूरा स्ट्रांगली ये काम करेगा। मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। और फ्रंट में वेल्ड स्किल की तरफ से एक ब्रांडिंग मिल जाएगा जो लुक बहुत अच्छा शो कर रहा है। और अंदर से देखिए, यहाँ पे 4 लॉक मिलेगा जो उसमें घाटी में आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, तो इसको सेंटर में आपको घुसाना है और ये लॉक हो जाएगा। ओके, ये लग हो गया और 4 लॉक मिलेगा और 2 एक्स्ट्रा भी मिलता है जो मैं आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये लॉक हो गया और यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा 2 मिल रहा है। बाई चांस अगर कोई टूट जाता है या फिर बाई चांस फ्यूचर में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी दोस्तों, ये पूरा फिटिंग हो चुका है और इससे ये बाहर का जो बॉडी रहता है वो फिटिंग हो चुका है। मैं आपको हुईल लगा के दिखाऊंगा, इसमें 5 हुईल लगता है, 5 हुईल दिया गया है तो हुईल मैं लगाऊंगा, नीचे लगेगा हुईल तो हमको इसको उल्टा करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लुक देख सकते हो आप, दो चारों तरफ व्यू आप चेक कीजिए। तो मतलब क्वालिटी तो पूरा दमदार है, हैवी भी है और इसमें दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आइए, नहीं लगा कि सस्ता क्वालिटी है, बिल्कुल नहीं है, बहुत हैवी
क्वालिटी है, ब्रांडिंग भी है, बिल्ड स्किल का ब्रांड है। बहुत सारा मैं सामान मैं खरीद चुका हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं है बिल्ड स्किल का जो ब्रांड रहता है। तो यहाँ पे व्हील जो रहता है उसको फिटिंग करना पूरा आसान है। चारों तरफ चार व्हील लग जाएगा और सेंटर में एक व्हील लगेगा। 5 तो व्हील इसमें दिया गया है। तो यहाँ तो ये चारों तरफ व्हील लगने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक लगा दूँगा, फिर ये तैयार हो जाएगा, आप यूज कर सकते हो। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप उसमें बैटरी लगा के आप फिक्स कर सकते हो। तो ये वीडियो में ये अनबॉक्सिंग था। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको ख़रीदना है तो ज़रूर जाइए व्हील स्किल का वेबसाइट में, आप चेक कर सकते हो, या फिर अमेजन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।